नमस्कार, मैं डॉक्टर सेन पंडित। मैं आप लोगों को बीपी चेक करके बताता हूँ। बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर होता है, तो चलिए मैं बीपी चेक करके बताता हूँ और इसमें सिस्टोलिक और डिस्टोलिक क्या होता है ये मैं करके बता देता हूँ। बैठे हुए हैं, चेक करके हम दिखा देते हैं। राइट हैंड दीजिएगा सर जी। हमेशा देखिए जो हैंड जो है हमेशा लेवल में होना चाहिए। और ये वाला क्या है डॉक्टर, मैंने जो कपड़ा मैंने बिल्कुल ऊपर कर दिया है, बिल्कुल ये खाली रहना चाहिए। और इसे कहते हैं कफ जो बांधने वाला है, इसको बिल्कुल सामने रखना होता है। देखिए हम बांध रहे हैं बिल्कुल सामने, बांधने का तरीका बिल्कुल ये बांधने का बिल्कुल तरीका सही है। अब इसमें हम आपको स्टेथोस्कोप से चेक करके बता रहे हैं। ये देखिए स्टेथोस्कोप यानी आला का जो अगली लंचा है हम यहाँ लगा के देखते हैं। दोस्तों मैंने अभी चेक किया है, तो सर का जो बीपी का इस समय ऊपर का जो है 118 है और नीचे का जो है 82 है। यानी कि समझिए सिंपली भाषा में 120 और 80 नॉर्मल होता है, यानी कि बिल्कुल। मैंने अभी सर का चेक किया है, इनका 118 और नीचे का जो है यानी कि 82, यानी ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक है, नीचे वाला डिस्टोलिक है। वैसे अगर एवरेज माने नॉर्मल वैल्यू जो होता है 120 और 80, यानी 120 जो हो गया ये सिस्टोलिक है।